भाई मैं बता दूं, इसको कोई भी वैक्यूम पंप लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंपनी ने इसी के अंदर लगा कर दिया है। तो भाई इसका है अंदर ये लगा हुआ, क्या है ये? ओहो भाई, ये इसके अंदर तो बहुत कुछ लगा हुआ है भाई, बहुत कुछ लगा। ओ तेरी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। भाई काफी टाइम से कई भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं, समीर भाई लेलोन का एक नया सेपरेट आ रहा है, बबल रिमूवर आया, उसके बारे में कोई वीडियो बनाओ। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसके अंदर इतने छोटे से के अंदर क्या क्या चीजें निकलने वाली है वो वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो अगर प्राइस की बात करें, इसका प्राइस रहने वाला है 10,000 के अराउंड रहने वाला है। हो सकता है क्या पता ये आपको 9,000 रुपए में भी मिल जाए, बाकी मैं फिर भी आपको 10,000 के अराउंड कह के चलूंगा। सबसे पहले तो भाई लेलोन कंपनी का इस टाइप का ये सेपरेटर आता है। इसके अगर मॉडल नंबर की बात करें, L2024 करके इसका सेपरेटर आता है, 3-in-1, मतलब 3-in-1 प्लस करके आता है। क्या आता है भाई 3-in-1 प्लस? भाई साहब वेट की बात करें, वेट तो अच्छा खासा है इसके अंदर। तो चलो भाई सेपरेटर की बात करें, तो सबसे पहले मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ बॉक्स के अंदर से मेरे को ये एक पावर केबल देखने के लिए मिली है। पावर केबल के साथ साथ इसको बाहर निकालते किस टाइप का देखने के लिए मिलने वाला है वो एक बार जरूर देखेंगे। तो ओ भाई वेट देखो, हाथ से छूट रहा है इतना ज्यादा वेट। इसके अंदर भाई वही वाली रबड़ यूज करी है कंपनी ने, जो रबड़ काम करते वक्त इधर उधर नहीं खिसकती, और ना खिसकने के साथ साथ इसके अंदर एक डिजाइन देख रहे हैं आप, ये रहा। इस डिजाइन की वजह से जिसका जो वैक्यूम है 10 टाइम एडवांस हो जाता है, मतलब 10 टाइम एडवांस का मतलब है इसके ऊपर आप कितना भी वेट डाल के खींच लो ये हटने वाला नहीं है। भाई अगर इधर की बात करें, इधर क्या क्या चीजें लगी हुई है मैं बताता हूँ। इधर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ से हीटिंग है, और यहाँ से देख रहे हैं हमारा स्टार्ट स्विच है। ये किस चीज का हो गया भाई? ये तो ये हो गया हमारे सेपरेटर का, ना कि बबल रिमूवर का। अब आगे इस तरह से अगर बात करते हैं, हम फ्रंट की बात करते हैं, ये रहा। तो अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो भाई फ्रंट के अंदर यहाँ पर आ गया टेम्परेचर स्विच आ गया, इसके बाद ये दूसरा वाला हमारा स्विच आ गया, यहाँ पर ये तीन इसके अंदर PLC लगी हुई है। टेम्परेचर सेट कर लो, प्रेशर सेट कर लो, टाइमिंग सेट कर लो, सारी चीजें इसके अंदर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इधर किया तो ये हो गया ओपन, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओपन करने के बाद इस तरह से ये यहाँ पर खुलने वाला है, और खुलने के साथ साथ भाई इन्होंने एक इसके अंदर प्लेट डाल के दिया, और प्लेट भी अच्छी खासी मोटी है। इससे आपको पता चल रहा होगा यार लेलोन वाले क्वालिटी बनाते हैं। तो इस प्लेट को क्यों डाल के देते हैं? हम कोई भी LCD है डायरेक्ट अपने स्पिनर रख दें बबल रिमूवर में और हमारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट ना जाए, इसलिए वो प्लेट को डाल कर देते हैं जिससे LCD हमारी बीच में रहे। और यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसको हम कर देंगे यहाँ पे लॉक। लॉक करने के बाद भाई यहाँ पर हमारा इस तरह से पूरा का पूरा दिखने वाला है, बाकी आगे दिखाता हूँ और है क्या। अब आ जाते हैं हम इसके पीछे के डिजाइन के ऊपर। तो भाई पीछे जो डिजाइन है यहाँ पर ज्यादा कोई खास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक पावर केबल लगानी और एक स्विच लगानी, और यहाँ पर लगा देना है हमें वैक्यूम पंप की बजाय एयर कंप्रेसर। वैक्यूम पंप नहीं लगाना, एयर कंप्रेसर आपको यहाँ पे लगाना है। तो चलो इसके अंदर एक बारी पावर डाल के देखते हैं। और कई भाई ऐसे होंगे सोच रहे होंगे यार इसको अगर मैं खोल के दिखा दूं तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। चलो यार वो जो आप सोच रहे हो ना, वो आपको इसी वीडियो के अंदर आपकी डिमांड पूरी करूंगा, पहले पावर केबल लगा के देखते हैं। तो इसके अंदर मैंने पावर केबल लगा दिए, पीछे से मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद भाई यहाँ पर आपको एक PLC के अंदर देख लो भाई डिजिट लिखे हुए दिख रहे हैं अच्छे से, और अच्छे से दिखने के बाद भाई यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे हीटिंग आ जाती है। हीटिंग जैसे मैंने भी आपको बताया है, ये हीटिंग स्विच है, यहाँ पर स्टार्टिंग स्विच है, स्टार्ट करते ही आवाज़ सुनो। तो इसके अंदर जो ये आवाज़ आ रही है ना, ये चल रहा है हमारा वैक्यूम, इसके अंदर जो वैक्यूम दिया हुआ है बोर। और हीटिंग की बात करें तो हीटिंग यहाँ पे देख रहे हैं भाई स्टार्ट हो गई है, और ये हीटिंग हो रही है हमारी ऊपर वाले एलिमेंट की स्टार्ट। इसके अंदर अगर एलिमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी कोई बीच में एलिमेंट नहीं है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन्होंने इस तरह से एलिमेंट लगा के दिए जिससे बराबर प्लेट गर्म होगी। एक कंपनी ऐसी है जो एक तरफ कोने पर एलिमेंट लगा के देती है, इधर का तो 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है, इधर का कम रह जाता है। भाई मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी भाई को प्रॉब्लम हो। अगर आगे की बात करें तो इस टाइप का ये दिखने वाला है, और आगे की अगर यहाँ की बात करें तो ये देखो भाई प्रेशर वगैरह यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं ना ये मीटर चल रहा है, ये इस तरह से प्रेशर सेट कर सकते हैं। यहाँ टाइमिंग की बात करें तो ये टाइमिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, देखो 6 पे चला गया। यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो 51 है, तो इसको भी 52 वगैरह करके यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है इन्होंने हीटिंग को ऑन ऑफ करने के लिए, और एक स्विच है ये रहा, ये देखो। एक चीज मैं आपको बता दूं, कई भाई सोच रहे होंगे कि समीर भाई अगर हमने ये ले लिया क्या हमें वैक्यूम पंप अलग से लेना पड़ेगा या नहीं? भाई मैं बता दूं, इसको कोई भी वैक्यूम पंप लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंपनी ने इसी के अंदर लगा कर दिया है। वो कैसे लगा कर दिया है देखो, जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ एक आवाज आएगी, ये देखो आवाज आ गई। अब ये रुक जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। तो भाई देखा आते आते आवाज ही एकदम से रुक गई, वो क्यों रुक गई? क्योंकि यहाँ पे भाई इसके अंदर जो था पूरी की पूरी इसके इसने एयर ले लिए, इसलिए आवाज रुक गई। अब इस एयर को अगर हमें रिलीज करना है
तो हमें यहाँ से बटन दबा देना। ये हमारी एयर रिलीज हो गई। रिलीज होने के बाद भाई ये हमारा नॉर्मली ढक्कन खुलेगा और ये देखो अंदर से धुआं टाइप से निकल रहा है, मतलब भाप निकल रही है एक तरीके से वो। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, कोई भी वैक्यूम पंप लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई बात आती है इसके अंदर की, बात आती है तो भाई कोई भी नहीं दिखा था वीडियो के अंदर, मगर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि इसके अंदर आखिर भाई लगा है तो है क्या। स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो भाई इसका है अंदर ये लगा हुआ, क्या है ये? ओहो भाई ये इसके अंदर तो बहुत कुछ लगा हुआ है भाई, बहुत कुछ लगा। ओ तेरी, इसके अंदर भाई देखो अगर मैकेनिज्म की बात करें ना, ये जो चीज़ ये इसके अंदर लगी हुई है, ये वाली चीज़ ये भाई गाड़ी के पंप के अंदर होती है, जो हमारा कार के अंदर पंप होता है ना एक हवा भरने के लिए, उसके अंदर प्लास्टिक की होती है। और इसके अंदर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ इसके अंदर भाई मेटल की लगी हुई है, ये रहा ये पूरा का पूरा भाई कार वाला मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये रहा। ये तो भाई ये हो गया इसके अंदर, ये इधर की बात करें ये PLC हो गई, और इधर की बात करें तो ये हो गई भाई हमारी वैक्यूम मोटर हो गई, और इधर की बात करें यहाँ पर मैं दिखाऊँ ये दिखाऊँ ये हो गई भाई हमारी आगे की सेपरेटर की PLC। भाई बबल रिमूवर की बात करें तो कुछ इस टाइप का बबल रिमूवर मिलने वाला है। एलिमेंट की बात करें तो एक एलिमेंट यहाँ पर लगा हुआ है, और दूसरा एलिमेंट की बात करें तो दूसरा एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर अंदर लगा के दे रखा है, उसी की वजह से इसके अंदर प्लेट लगी हुई है। और एक चीज़ और देखो भाई, जब तक आप इसको यहाँ पर इसको लगाओगे नहीं, इस तरह से इसको लगाओगे नहीं यहाँ पर, तब तक ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना दो वायर गई हुई हैं। तो इसके अंदर भाई ये जो वायर है ये है इसका सेंसर, ये सेंस करता है उसके बाद ही इसको ऑन करता है। तो भाई ये था इसके अंदर, और लिलोन ने क्या बना रखा है ये मैंने आपको दिखा दिया, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको देख के मज़ा भी आया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेरी मेहनत ख़राब ना हो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको AKT टूल से, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, सारे के सारे टूल्स वगैरह में ओरिजिनल में डील करते हैं। अगर आपको चाहिए वेबसाइट से लेना चाहते हैं वेबसाइट से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। स्क्रीन पर जो ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर अगर कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो इस पर भी ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।